नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हुकूमत। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। देश विदेश के कोने कोने से दिल्ली पहुंचने वाले पर्यटकों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होता है दिल्ली शहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित कुतुब मीनार। पर्यटकों के इसी आकर्षण के केंद्र के कारण ही कुतुब मीनार पर्यटन मंत्रालय की कमाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज तो कुतुब मीनार को देखने के लिए लोगों का रेला टूट पड़ा है, तभी तो आज टिकटों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। आने वाले दिनों में भी अगर ऐसी ही भीड़ रही तो कुतुब मीनार की कमाई से मंत्रालय का खजाना लबालब भर जाएगा। ऐसा नहीं होगा, हमारी मीनार से होने वाली कमाई अब किसी और के नहीं, सिर्फ हमारे खजाने को भरेंगी। हमारी मीनार बोला ना तूने, यानी हम ये समझ लें कि तू कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने 300 साल पहले इस मीनार को बनवाया था। ठीक समझे तुम, हम कुतुबुद्दीन ऐबक ही हैं, इस बुलंद मीनार की तासीर करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक। और जब इस मीनार के मालिक हम हैं तो इससे होने वाली कमाई किसी और के खजाने को क्यों भरे। अरे उस ड्रामेबाज ने कैश बॉक्स उठा लिया, वो कैश बॉक्स लेकर बाहर जा रहा है। जाने दे, मैंने अलार्म स्विच दबा दिया है जिसकी आवाज पर पुलिस बाहर इसका स्वागत करने पहुंच गई होगी। सचमुच बाहर निकलते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। श्रीमान कुतुबुद्दीन ऐबक और ड्रामेबाज, अब ये ड्रामा छोड़ो और हमारे साथ थाने चलो। आ गुस्ताख, तुमने हमें हाथ लगाया, हम तुम्हारी गर्दन कलम कर देंगे। खच आ रे, दिल्ली पुलिस के सिपाही ने तलवार दिखावे है, धाएं, एनकाउंटर में मार दूंगा साले ने, गोली चलाओ रे इस पे। उधर दिल्ली पुलिस के सिपाहियों के हाथों में रिवॉल्वरें आई और इधर कुतुब मीनार पर हाथ रखकर गुस्से से चिंघाड़ा अपने आप को कुतुबुद्दीन कहने वाला वो शख्स, तेरे आका की जान पर बनी हुई है और तू शान से खड़ी आसमान की ऊंचाइयों को नाप रही है। लानत है तुझ पर, लानत है, वो पत्थरों से चीखता ही रह गया। इधर पुलिस वालों ने उस पर गोलियां भी चला दी, धाएं धाएं धाएं, लेकिन एक भी गोली को कुतुबुद्दीन तक नहीं पहुंचने दिया उस मीनार ने। कुतुब मीनार हैरतअंगेज तरीके से अपने आका को बचाने पहुंची थी। ओह नो, हे राम जी, यू कैसे, शाबाश, तूने अपने आका की खूब इज्जत रखी। अब इन्हें तेरे आका की शान में गुस्ताखी करने की सजा भी दे दे। किसी जरखरीद गुलाम की तरह ही कुतुब मीनार ने अपने आका की बात मानी। भड़ाक आ रे, हमने यू के आफत मोल ले ली, इब तो भागन में ही भलाई से। आई रे, मर गया रे, सचमुच मरना ही था उन्हें और वे मरते भी अगर। अरे हमने बचाने वाला यू जाल कहां से आया, किसी फरिश्ते ने हमें बचाने के लिए ये जाल फेंका है। सही कहा, और फरिश्ते का नाम है परमाणु। सही समय पर पहुंचकर मैंने इन सिपाहियों को तो बचा लिया, लेकिन अभी मुझे इस अनोखे आश्चर्य से सैकड़ों लोगों की जान बचानी है, जिसे देखकर सभी के साथ साथ मेरी भी खोपड़ी ये सोचकर खराब है कि आखिर ये सब क्या है। बेजान पत्थरों से बनी ये मीनार किसी जिंदा शैतान की तरह हरकत क्यों कर रही है? ओफ, ओफ, ओफ। ये मुझे अपने में जकड़कर मेरी हड्डियों को पीस देना चाहती है।
मुझे तुरंत ही ट्रांसमिट होना होगा। उफ, उसका गुस्से से झूम उठना बता रहा है कि मेरा उसके सिकंजे से छूट जाना उसे गंवारा नहीं है। वो मुझे फिर अपने सिकंजे में कस लेना चाहती है। ओह, परमाणु ने इस हमले के बारे में तो सपने में भी नहीं सोचा था। धाड़! आह, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकली। अगर तुरंत ही इसका कुछ नहीं किया गया तो ये विनाश मचा देगी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। परमाणु रस्सियों में ये जकड़ी नहीं जा रही। परमाणु छल्लों का प्रयोग करके मैं इसे तोड़कर एक ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट नहीं करना चाहता। तो फिर इसे काबू में करने के लिए क्या करूं? परमाणु, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सहायता के लिए आने का धन्यवाद बच्चे। अब तुरंत ही यहां से भाग जाओ। इस माहौल में तुम्हारा यहां ठहरना ठीक नहीं। मेरे ख्याल से मेरे साथ तुम्हें भी यहां से चल देना चाहिए परमाणु, क्योंकि ये मीनार बहुत खतरनाक हो गई है। खुद इसके बनाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरी आंखों के सामने ही इसे जिंदा किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक? हाँ परमाणु। और वो उधर खड़ा हुआ है। अरे कहां गया? अभी तो मैंने उसे वहां देखा था। तुम्हें आया देखकर दुम दबाकर भाग गया लगता है, और डर के मारे अपना वो प्राचीन लबादा भी वहां छोड़ गया है जिसे पहनकर वो कुतुबुद्दीन ऐबक बना हुआ था। ये बच्चा जो कह रहा है वो है तो नामुमकिन ही, लेकिन चूंकि एक नामुमकिन मेरी आंखों के सामने है इसलिए मुझे उस नामुमकिन को मुमकिन मानना होगा। लेकिन वो जो भी था, इस प्राचीन लबादे को पहनकर ही कुतुबुद्दीन ऐबक बना हुआ था, और वो जल्दीबाजी में इस लबादे को यहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। लबादा? अगर ये लबादा कुतुब की इस मीनार को एक हैरतअंगेज रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो क्या उसे सामान्य करने में भूमिका नहीं निभा सकता? देखते हैं, देखते हैं। परमाणु ने उस लबादे में आग लगा दी, और जैसे ही वो लबादा जलकर भस्म हुआ, वैसे ही आखिर मैं कुतुब मीनार को फिर से सामान्य करने में सफल हो ही गया। अब मेरे पास समय है कि मैं ये सोचूं कि कौन था वो जो राख हो चुके लबादे को पहनकर खुद को कुतुबुद्दीन ऐबक साबित कर रहा था, जिसके खिस्से इतिहास की किताबों में और जो खुद सैकड़ों साल पुरानी कब्र में दफन है। ओह, ऐसा तो एक ही आदमी कर सकता है। इतिहास, सिर्फ इतिहास, उसी में प्राचीन इतिहास और उससे संबंधित चीजों को जिंदा कर देने की अनोखी शक्ति है। तो क्या इतिहास ये सब करने के लिए काला पानी जेल से फिर फरार हो गया? ऐसा कहीं कोई खबर तो नहीं? मुझे इस रहस्य को जानने के लिए काला पानी जेल पहुंचना होगा। काला पानी जेल, आधुनिक सुरक्षा इंतजामों से भरी वो जेल जिसमें जाने के बाद अपराधी का अपने कर्मों की सजा पाए बिना बाहर निकलना नामुमकिन है। लेकिन इस जेल के इतिहास को इतिहास नामक अपराधी ने एक बार नहीं कई बार कलंकित किया है। अभेद समझी जाने वाली इस जेल को भेद कर इतिहास कई बार फरार हुआ है, इसलिए इस बार इस जेल में इतिहास के लिए एक ऐसी विशेष सेल बनाई गई है जिससे इतिहास की आत्मा भी फरार नहीं हो सकती। इसलिए मैं मान ही नहीं सकता परमाणु कि कुतुब मीनार से संबंधित जिस घटना की तुम बात कर रहे हो उसमें इतिहास का हाथ हो सकता है, और यह है मेरी इस बात का सबूत। इस स्पेशल सेल में पहले की तरह ही बंद है इतिहास। यहां से इसके शरीर की गंध भी बाहर नहीं गई। अगर इतिहास यहां बंद है तो ऐतिहासिक वस्तु को जिंदा कर देने वाला वो कौन है? वो जो भी था एक नए रूप में मौजूद था। लाल पत्थरों से बना ये महल कभी हमारी रियासत की राजधानी शाहजहानाबाद की खूबसूरती में चार चांद लगाया करता था। आज लोगों ने न सिर्फ हमारे शाहजहानाबाद का नाम बदलकर दिल्ली कर दिया, बल्कि हमारे महल को भी लाल किले का नाम दे दिया है। और तो और, हमारी हुकूमत में जहां इस महल के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए थे,
आज उसमें घुसने के लिए लोगों से पैसा भी वसूला जा रहा है। ये हमारा महल है, इस सारे पैसे के हकदार हम हैं। ए कौन है तू? जवाब में मौत गुर्राई। शाहजहानाबाद के बादशाह मुगलिया शहंशाह से सवाल करता है गुस्ताख। हम इस महल के बादशाह हैं, यहां की हर चीज हमारी है, यहां वही होगा जो हम चाहेंगे। अब इस किले की और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मिलिट्री की है, इसलिए यहां वही होगा जो मिलिट्री चाहेगी। ऐसा है तो होशियार दुश्मनों, मौत बरसेगी तुम्हारे ऊपर। बड़ुम आ ओह नो, पुरानी तोपे गोले उगलने लगी है। बड़ुम बड़ुम बड़ुम, बचो इनसे। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।